नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष बैनर्जी, आप देख रहे हैं R&D टेक और स्वागत करता हूं मैं आपका टिकटॉक के इस फ्रेश एपिसोड में जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं OnePlus 5 के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले अगर बात करें हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की OnePlus 5 की, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है एक फुल मेटल यूनिबॉडी का डिजाइन OnePlus के साथ, और सामने को देखने को मिल जाता है एक 5.5 इंची का AMOLED डिस्प्ले जो कि एक फुल HD AMOLED पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी। तो आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन वाली स्क्रीन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नोट कीजिएगा, आपको 2K डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है जैसे कि आपको दूसरे फ्लैगशिप्स में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगर इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर जो फोन है वो चल रहा है 7.1.1 एंड्रॉइड नोगट पे। OnePlus 1 के जो ऑक्सीजन स्किन होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और इसमें काफ़ी आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो उसके साथ आपको जो इंटरनल मिलता है वो मिलता है इस बार का फ्लैगशिप इंटरनल Qualcomm का Snapdragon 835 प्रोसेसर। तो ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है दोस्तों, इसमें जो 4 कोर्स हैं वो क्लॉक किए गए हैं 2.4 GHz पे और जो बाकी 4 हैं वो क्लॉक किए गए हैं 1.9 GHz पे। यहाँ पर जो आपको मेमोरी कॉम्बिनेशन मिलती है वो भी मिलती है इस बार की सबसे बेस्ट हाई एंड मेमोरी कॉम्बिनेशन। यहाँ आपको मिल जाता है एक 6GB और 64GB का वेरिएंट और एक मिलता है 8GB 128GB का वेरिएंट। यहाँ पर जो आपको दो कलर्स देखने को मिल जाते हैं वो मिलते हैं काफ़ी एक अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो एक है वो है एक ब्लैक और जो दूसरा मिलता है वो आपको मिलता है हल्का ब्लैक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगर बात करें हम कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डुअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ, जो कि जिसमें से एक सेंसर है 16 मेगापिक्सल का और जो दूसरा सेंसर है वो है एक 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो क्या ये करता है चीज़, बिल्कुल आईफोन के जैसे ही चीज़ करता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। कि नॉर्मल जो शॉट्स होंगे वो आप 16 मेगापिक्सल से खींचेंगे और जैसे ही आप जूम करेंगे तो वो एक ऑप्टिकल जूम होगा, वो एक डिजिटल जूम नहीं होगा, तो एक लॉसलेस क्लैरिटी आपको मिलेगी और 20 मेगापिक्सल वाले कैमरा से आप वो वाली फोटोज़ खींचेंगे। तो काफ़ी जगह पे जहाँ पर आपको जूम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको ये काफ़ी हैंडी फीचर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये भी एक फीचर है जो कि आप कह सकते हैं आईफोन से बिल्कुल सीधा सीधा लिया गया है। अगर हम कैमरा ऐप की भी बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक आईफोन की जैसा ही लगता है, आईफोन में जो कैमरा ऐप है उसकी तरह ही लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3300 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है डैश चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री का भी सबसे बेस्ट फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी मिलता है आपको OnePlus के इस डिवाइस में, जो कि आपको देखने को मिला था OnePlus 3 और 3T में भी। इस डिवाइस में भी आपको देखने को मिल जाता है डैश चार्जिंग। फाइनली अगर हम बात करें OnePlus 5 के प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी ज़रूर, क्योंकि OnePlus 5 इस बार OnePlus के पूरे लाइनअप का सबसे महंगा फ़ोन है। जी हाँ दोस्तों, OnePlus 3 और 3T भी 30,000 के नीचे के बजट में आए थे, बट अब OnePlus 5 जो आया है वो 30 और 40,000 के बीच के सेगमेंट का है। दोनों ही फ़ोन्स 40,000 के नीचे के हैं, बट स्टिल OnePlus के सीरीज़ में सबसे महंगे फ़ोन्स माने जा रहे हैं। कंपनी के CEO क्लेम करते हैं कि इसकी प्राइस हाइक जो हुई है वो नए इंटरनल्स के वजह से हुई है और जो इंडस्ट्री में जो इंटरनल्स के प्राइस बड़े हैं उसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर की तरफ गई है। तो आप मान के चलिए कि दोस्तों आगे के भी अगर OnePlus डिवाइसेस आएंगे वो भी थोड़े बहुत महंगे आएंगे, बट फिर भी आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप कंपेयर करें अलग फ्लैगशिप से सैमसंग के S8 के लाइनअप के साथ या फिर आईफोन्स या LG के फ्लैगशिप लाइनअप के साथ, उसके मुकाबले OnePlus का डिवाइस एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस मेरे हिसाब से लगता है। 35,000 में अगर आपको वही इंटरनल्स मिल रहे हैं जो कि सैमसंग के 50,000 और 60,000 वाले फ़ोन में मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल से आप ध्यान रखिएगा कि अगले साल का जो OnePlus 6 या जो भी आए वो भी एक महंगा डिवाइस हो सकता है, वो शायद 40,000 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि शुरुआत की थी OnePlus 1 के साथ 20,000 के सेगमेंट में, अब फाइनली वो 40,000 तक टच कर चुका है। तो यही था प्राइसिंग के मामले में। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी देखने को मिल जाती है इसमें, 3.5mm जैक दोस्तों, फाइनली किसी ने तो सुनी, सैमसंग भी आखिर एक कंपनी है जो 3.5mm जैक को जाने नहीं दे रही।
और आई अप्रिशिएट कि वन प्लस ने अभी भी 3.5 mm को जैक को मेंटेन कर रखा है। आगे अगर बढ़े तो बात करें इसकी अवेलेबिलिटी को अवेलेबिलिटी की, तो इंडिया में ये अवेलेबल हो चुका है, 22 जून को ये लॉन्च हो गया इंडिया में, और 35,000 और 38,000 में ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं। और अगर आपको ख़रीदना है तो मैं नीचे अमेज़ॉन के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये फ़िलहाल पॉपअप स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं, जो फ़िलहाल 23 तारीख को दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और अभी 24 को चेन्नई में भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो वहाँ पर भी ऑफलाइन अवेलेबल थे। अब ऑफलाइन अवेलेबिलिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोज कर दूंगा कहाँ कहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, मैं अभी श्योर नहीं हूँ उसको लेकर। तो इतना ही था टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और अवेलेबिलिटी की अगर बात करें। आगे बढ़े अगर मेरे ओपिनियंस के साथ, तो मैं मानता हूँ इस बार का वन प्लस डिवाइस एक काफ़ी अच्छा डिवाइस होगा कंपेयर करें अगर हम दूसरे फ्लैगशिप से, क्योंकि इंटरनल्स के हिसाब से भी, और वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है वो एक काफ़ी हल्का ओएस माना जाता है, और है भी वो एक काफ़ी अच्छा और हल्का ओएस जिसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। और जस्ट बिकॉज ये एक स्टॉक एंड्रॉयड के काफ़ी नज़दीक होता है, तो इसमें आपको अपडेट भी काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है। कुछ ही दिन हुए हैं वन प्लस को लॉन्च किए हुए, और एक सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी OTA अपडेट से मिलने लगा है वन प्लस 5 के डिवाइसेस को। अगर आप एक वन प्लस 5 ओन कर रहे हैं या फिर ये वीडियो आप वन प्लस 5 में देख रहे हैं, तो आप ज़रूर से सिस्टम अपडेट में चेक करिए, आपको एक नया अपडेट मिल चुका होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।